जो राजनीतिक पार्टियों के जो अन्य लोग जो उनके डोरे डाल रहे हैं कि हमारी राजनीति में आओ, हमारी पार्टी से राजनीति शुरू करो, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं आगे नहीं है। विनेश फोगाट की जिसको जो सिंपैथी मिली है, जो देश भर के युवाओं ने, देश के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने जो सिंपैथी जताई है, उस सिंपैथी को राजनीतिक पारी के रूप में कैश करने के लिए मुझे लगता है विनेश फोगाट अब पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री करें, राजनीति में आए, एक नई पारी शुरुआत करें, और उस राजनीति में एंट्री करने का उन्होंने एक ग्राउंड वहाँ के लोगों ने, पराली के आसपास के लोगों ने, चरखी दादरी के लोगों ने, किसान पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने तैयार कर दिया। दोस्तों, अभी अभी पेरिस में ओलंपिक खेलें जो हैं वो संपन्न हुई हैं। ओलंपिक खेलों में एक बहुत बड़ी बात हुई, हमारे देश की एक रेसलर जो फाइनल तक पहुंचते पहुंचते आखिर में रह गई, उसके कारण उसको लोगों का बहुत ज्यादा प्यार मिला, बहुत ज्यादा लोगों की सिंपति मिली। आज वो खेल जगत का सितारा, बेशक कुश्ती से संन्यास ले चुका है, लेकिन हरियाणा में वो एक स्टार बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं विनेश फोगाट की, जिनका आज जन्मदिन है। सबसे पहले अर्थ प्रकाश टीवी की ओर से हम उनको इनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आज विनेश फोगाट के बारे में बात करते हैं कि क्या जो अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि वो राजनीति में एंट्री कर सकती हैं, क्या वो राजनीति में एंट्री करेंगी? अगर राजनीति में एंट्री करेंगी तो किस पार्टी से करेंगी? इन सब पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर सतीश मेहरा, जो पूर्व उपनिदेशक प्रेस हैं राजभवन हरियाणा से। उनके साथ बात करते हैं और जानते हैं कि आगे के समीकरण क्या बन सकते हैं। सबसे पहले मेहरा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विनेश फोगाट की बात करते हैं। विनेश फोगाट भले ही वहां पे फाइनल में पहुंचते पहुंचते ओलंपिक में वो रह गई हैं, लेकिन यहां लोगों का बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स उनको मिला। उसके बाद राजनीतिक पार्टियों का झुकाव उनकी तरफ हो गया, और कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है, ये संभावनाएं बन रही हैं कि वो किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करेंगी। दूसरी तरफ हरियाणा में जो है इस समय चुनाव का दौर है, चुनाव का जो दौर है वो पूरे एक तरह से ये कह सकते हैं कि चरम पर है, तो हर पार्टी कोशिश कर रही है कि उन चेहरों को आगे लाया जाए, उन चेहरों को भुनाया जाए जिनको लोग पसंद करते हैं। तो उसमें विनेश फोगाट आज लोकप्रियता की चरम पर है, तो क्या लगता है कि विनेश फोगाट राजनीति ज्वाइन कर सकती है? देखिए राजेंद्र जी, जैसा आपने बताया कि आज विनेश फोगाट का जन्मदिन भी है, सबसे पहले मैं अर्थ प्रकाश टीवी की तरफ से विनेश फोगाट को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आपने बात की है विनेश फोगाट के राजनीति में एंट्री करने की, तो इससे पहले राजनीति में एंट्री करने से पहले खेलों में बड़ी अचीवमेंट विनेश फोगाट ने पाई है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें चाहे एशियाई खेलों की बात करें, दोनों खेलों में पहली विनेश फोगाट ऐसी रेसलर रही हैं, महिला रेसलर रही हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। बात अब पेरिस ओलंपिक की शुरू होती है। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट ने जो इतना मुकाम तक पहुंची हैं, वो मुझे लगता है भारत की कोई भी महिला उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाई। हालांकि फाइनल में पहुंचते पहुंचते उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया। अयोग्य घोषित करने के बाद विनेश की जो भावनाएं आहत हुई हैं, उन भावनाओं को देखते हुए विनेश ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है, और बड़े भरे मन से उन्होंने कुश्ती से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अब जब पेरिस से ओलंपिक में भाग लेकर जो अपने देश लौट आई है, अपने गांव लौट आई है, तो हरियाणा में चुनावी माहौल है, विधानसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं और चर्चाएं हैं जी, विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री करेंगी या नहीं करेंगी, एंट्री करेंगी तो किस पार्टी से एंट्री करेंगी जी। तो मैं आपको बता देता हूं, पिछले दिनों जब विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में भाग लेकर जब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे दिल्ली में उतरी थी, तो उनका स्वागत करने के लिए जो सांसद रोहतक से सांसद है, युवा सांसद है दीपेंद्र हुड्डा जी जी जी, वो पहुंचे थे और उन्होंने उनका स्वागत किया था जी। और एक तरह से उन्होंने स्वागत के बहाने एक ऑफर किया था कि आप राजनीति में आइए तो कांग्रेस में आपको तो सीधा ये अनुमान लगाया जा सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर सकती हैं। अभी ज्वाइन कर सकती है ना कर सकती है ये तो आगे की भविष्य की गर्भ में है, लेकिन जो राजनीतिक पार्टियों
कि तो अन्य लोग जो उन्होंने उन पर डोरे डाल रहे हैं कि हमारी राजनीति में आओ, हमारी पार्टी से राजनीति शुरू करो, उसमें कांग्रेस पार्टी कहीं आगे निकल चुकी है। और कांग्रेस जैसा मैंने आपको पहले बताया, इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर जिस उन्होंने जिस दिन लैंड किया था, उनको अपने वहां से बलाली तक, अपने गांव बलाली तक पहुंचने में 14 घंटे लगे थे। हाँ, हालांकि उन्होंने, मुझे लगता है अभी ये ऐसा भी कुछ कहा था कि विनेश फोगाट को हम राज्यसभा भेज सकते हैं, उनको राज्यसभा के मेंबर बना सकते हैं, ऐसी भी कुछ चर्चाएं उन दिनों चली थी कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के। मुझे लगता है राज्यसभा का जो ऐसे जो राज्यसभा का जो ये चुनाव है, इसमें तो एंट्री उनकी होना मुश्किल है, लेकिन एक विधायक के रूप में, विधायक के उम्मीदवार के रूप में उनकी एंट्री हो सकती है। और ये कल जो परसों की अभी ताज़ा ये समाचार है कि उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा से उनके कोठी में जाके दिल्ली में मुलाकात भी की है, और इससे संकेत मिलते हैं कि विनेश फोगाट का राजनीति में जो एंट्री है वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से राजनीति में एंट्री हो सकती है। ठीक कह रहे हैं आप, भी हो सकता है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से ज्वाइन कर जाए, लेकिन फोगाट फैमिली में ऑलरेडी बबीता फोगाट जो है वो राजनीति में है, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पिछली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चुनाव तो नहीं जीत पाई, लेकिन राजनीति में सक्रिय जरूर है आज भी। और अगर बात करते हैं विनेश फोगाट के होम टाउन की, तो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है वो पड़ता है दादरी, और दादरी से ही इसने बबीता फोगाट ने इलेक्शन लड़े थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और अगर ये दोनों इस समय आमने सामने हो जाते हैं तो एक ही परिवार से दो पहलवान चुनावी दंगल में होंगे, तो किस तरह का माहौल बन सकता है, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, पारिवारिक राजनीति से अगर हम बात करें तो एक परिवार से कई कई पार्टियों में लोग राजनीति करते हैं और अपनी चुनावी मैदान में ताल भी ठोकते हैं रहे हैं, और ये भी अभी हम बिल्कुल कह सकते हैं कि दोनों बहनें जो ताऊ और चाचा की बहनें हैं, हालांकि महावीर फोगाट उनके ताऊ हैं और उनकी बेटी जो बबीता है वो भारतीय जनता पार्टी से 2019 में चुनाव लड़ चुकी हैं और चुनाव वो हार गई थी चरखी दादरी से, और बाद में उन्होंने हरियाणा सरकार ने उन्होंने महिला विकास निगम का चेयरमैन बनाया था, और अभी भी उनका प्रयास है कि वो चरखी दादरी से बबीता फोगाट चुनाव लड़ेंगी। और अगर बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनाव लड़ती हैं और उधर से विनेश फोगाट कांग्रेस में एंट्री करती हैं, तो स्वाभाविक है, ये मान के चलो कि विनेश फोगाट कांग्रेस की उम्मीदवार होंगी, और कांग्रेस की उम्मीदवार होने के साथ साथ विनेश फोगाट की को जो सिंपैथी मिली है, जो देश भर के युवाओं ने, देश के लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने जो सिंपैथी जताई है, उस सिंपैथी को राजनीतिक पारी के रूप में एनकैश करने के लिए मुझे लगता है विनेश फोगाट अब पीछे नहीं हटेंगी। जैसे कि पिछली अभी आपने बात बताई कि पिछले जो इलेक्शन थे उसमें बबीता फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी से चरखी दादरी से इलेक्शन लड़ा और वो अनफॉर्चुनेटली हार गई, और यहीं हम बात करते हैं कि इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनेश फोगाट जो है वो कुश्ती को छोड़कर, कुश्ती से संन्यास उन्होंने ले लिया है छोड़कर, अब वो राजनीति में अगर एंटर करती हैं और इसी विधानसभा चुनाव से वो चुनाव लड़ती हैं, तो क्या लगता है कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि वो जीत की तरफ जाएंगी? जो खिलाड़ी आते हैं या ब्यूरोक्रेट्स आते हैं या कलाकार जो दूसरी फील्ड को छोड़कर राजनीति में आते हो, कितने प्रतिशत कामयाब होते हैं? क्योंकि बबीता फोगाट भी बहुत सोच के साथ, क्योंकि वो दंगल घर के नाम से बड़ी फेमस थी, बड़ी मशहूर थी, उनको लगता था बड़ी मुझे सक्सेस मिलेगी, लेकिन वो नहीं जीत पाई, तो कितने, क्या हम इसकी श्योरिटी कर सकते हैं कि ये राजनीति में कामयाब होंगे? देखिए राजेंद्र जी, मैं अगर राजनीति में एंट्री करने की बात करूँ तो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के लोग जिनका जो करियर चरम पे पहुंच चुका होता है, चाहे खेल की दुनिया की बात हो, चाहे कलाकार बॉलीवुड की बात हो, और चाहे दूसरे किसी भी फील्ड की बात हो, जब उनका वो अपने क्षेत्र में जो करियर चरम पर पहुंच चुका है, वो बहुत से उसके बाद बहुत से लोगों ने राजनीति में एंट्री ली है, और खेलों की दुनिया में तो बहुत लोग राजनीति में आए हैं। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ, हरियाणा में संदीप सिंह है जैसे, उन्होंने MLA बने और मिनिस्टर बने, उसके बाद योगेश्वर दत्त ने अपनी राजनीति पारी शुरू की, उससे पहले पंजाब की अगर बात करूं तो जो प्रगट सिंह है, हॉकी के हमारे कैप्टन रहे, वो प्रगट सिंह राजनीति में आए, बाद में मंत्री बने, बहुत सारे ऐसे हमारे पास उदाहरण है। बॉलीवुड की दुनिया से हेमा मालिनी की बात करें, धर्मेंद्र जी की बात करें, और सनी देओल की बात करें, बहुत सारे लोग संदीप सिंह थे राजनीति में आए, कुछ सफल हुए, कुछ असफल हुए, लेकिन बबीता और इसके बारे में बबीता भी एक उदाहरण है, बबीता भी उसी से खेल की दुनिया से ही राजनीति में आई हैं। और अब विनेश की अगर हम की बात को, राजनीति की बात को आगे बढ़ाते हैं, तो विनेश ने कुश्ती से तो संन्यास लेने की घोषणा कर दी,
अब विनेश के पास दो ही रास्ते बचते हैं, एक तो कुश्ती को प्रमोट करने के लिए एकेडमी के माध्यम से या किसी और माध्यम से कुश्ती को प्रमोट करें और जो नई पीढ़ी है उसको अपने दांव पे सिखाकर आगे के लिए तैयार करें। बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन राजनीति ही बचता है उनके पास, राजनीति में आगे बढ़कर कुश्ती को भी प्रमोट करें और अपने राजनीतिक जो उनका एक उद्देश्य है जनसेवा का, उस उद्देश्य को भी वो उस टारगेट हासिल कर सकती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि राजनीति में आना कोई विनेश के लिए गुनाह है, क्योंकि एक सफल धुरंधर और बहुत ही जानी मानी खिलाड़ी रही हैं। उनमें संघर्ष का मादा है, उनमें एक त्याग का मादा है। पिछले दिनों जब जनवरी 2023 में उन्होंने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने WFI के चेयरमैन के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए थे, उन्होंने देश के लोगों ने देखा कि उनमें संघर्ष करने का कितना मादा है और आगे भी बढ़ी, उन्होंने खूब संघर्ष किया और संघर्ष के साथ साथ उन्होंने जो ओलंपिक में एंट्री ली है वो मुझे लगता है एक हीरो के रूप में, एक जाबाज खिलाड़ी के रूप में स्थापित विनेश फोगाट को, ये जो घटनाएं हैं वो करती हैं। और विनेश फोगाट ने अपनी जो खेल के उस हुनर से दिखा भी दिया था, बहुत जो कभी किसी क्यूबा के पहलवान थे जो सेमीफाइनल में किसी से हारी नहीं थी, उनको चित किया। उसके बाद 100 ग्राम वजन ज़्यादा होने की वजह से वो 50 किलोग्राम वजन में खेल नहीं पाई, एंट्री नहीं कर पाई, उनको अयोग्य घोषित किया गया। उस अयोग्य घोषित होने के बाद उन्होंने एक भरे मन से जो संन्यास लिया है, ये मुझे लगता है लोगों के दिमाग में अभी तक वो एक्सेप्ट, लोग हमारे देश के लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए। और अब लोग ये चाहते हैं, हरियाणा के लोग ये चाहते हैं कि विनेश फोगाट राजनीति में एंट्री करे, राजनीति में आए, एक नई पारी शुरुआत करें। और उस राजनीति में एंट्री करने का उन्होंने एक ग्राउंड वहाँ के लोगों ने, पलाली के आसपास के लोगों ने, चरखी दादरी के लोगों ने, किसान पंचायतों ने, खाप पंचायतों ने तैयार कर दिया। जो मान सम्मान, जो स्वागत उन्होंने किया है वो एक अलग तरह का स्वागत है और उस स्वागत से उत्साहित भी हुई हैं विनेश फोगाट। हालांकि ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल नहीं मिल सका, लेकिन वहाँ की खाप पंचायतों ने उनको गोल्ड मेडल से नवाज कर और जो मान सम्मान दिया है वो मुझे लगता है अलग से। सतीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और विनेश फोगाट की लाइफ के बारे में, उसकी लाइफ के कुछ अंश हुए पहलुओं के बारे में भी हमने बात की। वो आगे राजनीति में जाती हैं या वो आगे कुश्ती में अपना जो जौहर है वो दिखाती हैं, क्योंकि कुश्ती में अब कुश्ती से तो संन्यास ले लिया है, उसके साथ वो उसकी कोई नर्सरी शुरू करती हैं, उसकी कोई अकेडमी शुरू करती हैं, तो वो सब चीज़ें तो आने वाला समय बताएगा। खैर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत बहुत राजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मैं अर्थ प्रकाश टीवी की ओर से विनेश फोगाट को उनके जन्मदिन की बधाई देना चाहता हूं और उनके जो भविष्य है उसका एक स्वर्णिम भविष्य की मैं शुभकामनाएं करता हूं। और जहां भी राजनीति में जाएं या कुश्ती के क्षेत्र में अकेडमी के माध्यम से या नई पीढ़ी तैयार करने की जो बात आप कह रहे हैं उसमें काम करें, तो उन दोनों के लिए मेरी ओर से और अर्थ प्रकाश टीवी की ओर से शुभकामनाएं हैं, बधाई है, धन्यवाद।